भिवंडी धामनकर नाका महावीर कॉम्प्लेक्स स्थित डीएसजी लाइफ केयर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष दत्ता गाय समुद्रे द्वारा 3 वर्ष पहले उनके कार्यालय परिसर में आई तुलजा भवानी मंदिर की स्थापना की गई थी। माता के मंदिर के 3 वर्ष पूर्ण होने पर महाआरती व महाप्रसाद का आयोजन किया गया था, जिसमें डीएसजी लाइफ केयर फाउंडेशन के सभी महिला पुरुष पदाधिकारियों ने आकर महाआरती कर माता का आशीर्वाद लिया और साथ ही महाप्रसाद का लाभ ही लिया। इस अवसर पर डीएसजी लाइफ केयर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। म्हणून आम्ही सगळे उत्सवाला आलेलो आहोत, तर आम्ही त्यांचे आम्हाला सर्व महिलांना बोलवलं याच्याबद्दल आम्ही त्याचे आभार मानतो। आणि हर वर्षी जो कार्यक्रम ठेवताय स्थापनेचा, तर आज 3 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत, त्यानिमित्ताने हा सोहळा ठेवलेला आहे। 2022 रोजी या मंदिराला 2-3 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत, त्यामुळे आम्ही इथे मंदिराचा सोहळा म्हणून डीएजी फाउंडेशनतर्फे हा कार्यक्रम राबवत आहोत। आणि हा डीएजी फाउंडेशन महिलांच्या अधिकारासाठी राबवण्यात येत आहे। महिलांच्या हक्कासाठी व महिलांवरती जो अत्याचार होतो त्याच्यासाठी आम्ही हा डीएजी फाउंडेशन 2019 पासून ह्याचा संस्था चालू केलेली आहे। आज काही महिला आमच्या सोबत जुळलेल्या आहेत आणि प्रत्येक महिलांनी महिलांसाठी प्रत्येक वेळेस उभं राहो हीच मी आज आई तुझा भवानी समोर प्रार्थना करते। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से आभार डीएसजी लाइफ केयर फाउंडेशन की तरफ से। डीएसजी लाइफ केयर फाउंडेशन की 2019 डीएसजी लाइफ केयर फाउंडेशन की सोच दत्ता भारत में होने वाले महिला अत्याचार मानवता को होने वाला शैक्षणिक सामाजिक मोल आधार का मद्देनजर रखते हुए ये फाउंडेशन की बुनियाद रखी है। महिलाओं के न्याय के लिए लड़ने वाली ही फाउंडेशन का नाम डीएसजी लाइफ केयर फाउंडेशन है। हमारी मंदिर को 3 साल पूरे हुए इसलिए यहाँ फाउंडेशन रखा है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सरस्वती संजय सोनी है। मैं डीएसजी लाइफ फाउंडेशन केयर से बोल रही हूँ। हमारे देवी की स्थापना होके 3 साल हो गया है। आज एकादशी है। आज हमारे इधर देवी का महाप्रसाद और महाभंडारा है। इस अवसर तुझा भवानीचा आपल्या इथे मोठा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। आज एकादशीचा कार्यक्रम आहे। भवानीचा जो कार्यक्रम मोठा साजरा करण्यात आलेला आहे। आई तुळजा भवानी, आई जगत जननी, आई तुळजा भवानी जगत जननी, अंबिके तारी।